जौनपुर के समाजवादी पार्टी युवा चेहरे अजय त्रिपाठी जी जो ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं जनपद जौनपुर के, सर ये जानना चाहेंगे हम मीडिया पर कि आज की जो लोकतांत्रिक परिभाषा हुई है सियासत की, जो उसके नैतिक मूल्यों का कथित तौर पे जो कहा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उसका हनन हो रहा है। अगर ऐसा है तो क्यों, और इस पर नियंत्रण होगा? वापस स्थितियां अगर उनके मुताबिक सही होंगी, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र अब नहीं बचा, तो कैसे हो सकता है इसको, मतलब वापसी कैसे कराएंगे? देखिए मित्र, आज की व्यवस्था हिंदुस्तान की बहुत ही दयनीय स्थिति पहुंच चुकी है। आप जान रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री के सामने ही एक अभिनेता कह रहा है कि मैं यहीं से बैठ के चबा जाऊंगा सबको, मैं अगर छक्का मारूंगा तो यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, इससे ज़्यादा दयनीय और अफसोस की बात क्या हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री के सामने एक कलाकार चुनौती दे रहा है और प्रधानमंत्री उसको वाहवाही कर रहे हैं। गुंडई की यह सीमा लोकतंत्र के लिए अत्यंत ही दयनीय है और दर्दनाक है। यदि यही स्थिति रही तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और हम और आप हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए मेरी तो यह राय है, मेरी तो इच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बराबर यह कहा करते थे कि बहुत ही महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, तो क्या उनको यह पता नहीं चल पा रहा है इस समय देश की स्थिति क्या है? देश का हर वर्ग, चाहे किसान हो, नौजवान हो या जवान हो, वकील हो या अभियंता हो, सभी परेशान हैं उनके कुकृत्यों के कारण। आप देख रहे हैं करीब 3 महीने बीतने जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान जो नहीं चाह रहा है उसको क्यों ज़बरदस्ती उसके ऊपर लाना चाह रहे हैं, क्यों उसकी बातों को अनसुना कर रहे हैं? वो मुखिया हैं हिंदुस्तान के, देश के मुखिया हैं, उनका धर्म तो यही बनता है ना कि अपने जनता की मांगों को स्वीकार करें, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए, वर्ग विशेष को नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष को, उद्योगपतियों के एक समूह को लाभ पहुंचाने के लिए वो ज़बरदस्ती किसानों का शोषण कर रहे हैं। और किस हिसाब से इस ठंडक भरे रातों में अपना समय बिताए हैं इसको हम और आप आसानी से समझ सकते हैं। आज फरवरी में ही मौसम बदल गया है और प्रतिकूल मौसम में गर्मी के लू के थपेड़े अभी चलने शुरू हो गए हैं, लेकिन किसान जैसे के तैसे अपना समय बिता रहे हैं। उनकी तरफ मोदी जी का ध्यान नहीं है, वे खाली 8-10 बार कपड़ा बदलते हैं और यहाँ से वहाँ से खाली प्रचार करने के लिए निकल जा रहे हैं। धूर्तता मक्कारी, कोई भी हथियार से अपने को बचा नहीं पा रहे हैं। यह इनके प्रकार सत्ता हथियाना उनका मकसद है, उसके लिए मर्यादा का उनके विवाद में, उनके मन में कोई भावना ही नहीं है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री अगर इस देश को इसी तरह मिलते रहे तो देश का कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, देश को गिरवी रखने से बाज नहीं आएंगे। सर, गड्ढा मुक्त सड़कों पर, गड्ढा मुक्त सड़कों की जहाँ तक बात है, तो जहाँ तक बात जौनपुर की ही आप देख लीजिए, जौनपुर का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसमें जो है गड्ढे ना हो। चलना दुभर हो गया है, जाम आम समस्या बन गई है, हर आदमी परेशान है, धूल भरी सड़कें हैं। यदि आप चलेंगे तो 100-200 मीटर जाने के बाद आपको अपना मुँह चेहरा साफ करना पड़ेगा, हाथ धुलना पड़ेगा, नहीं आप सफ़र नहीं कर पाएंगे, कुछ खाने पीने लेके लायक नहीं रहते हैं। जौनपुर की सड़कें शायद तोड़वा दी गई हैं, लेकिन उसको बनवाने के सुध किसी को नहीं लिए, कोई नहीं ले पा रहा है, चाहे स्थानीय प्रशासन हो या प्रदेश का प्रशासन हो, कोई इन सब तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। जिस प्रकार की अधिसूचना पंचायती चुनाव जारी की गई है, एक कहा जाए तो आरक्षण के दायरे में परिसीमन, तो सर इससे कितनी सहमति आप लोग जाहिर करते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी सीट जैसी की तैसी तो नहीं रह पाई है। इसमें भी बहुत विसंगति है। अब आरक्षण की बात करें, आरक्षण का कोई विरोध थोड़ी हम कर रहे हैं, आरक्षण का हमारा मकसद भी नहीं है कि उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन आरक्षण का एक सही ढंग से उसका क्रियान्वयन होना चाहिए थे। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे कि एक भी SC ST नहीं है, उस गांव को सामान्य वर्ग में परिवर्तित कर दिया गया है। अब वहां से जब वहां पे SC ST है ही नहीं है एक को, तो कौन लड़ पाएगा चुनाव, कहां से लाएंगे उनको करने के लिए? यह संकेत करता है, दिखाता है कि आरक्षण का जो भी इन लोगों ने फार्मूला लागू किया है जनपद में,
उसमें कहीं ना कहीं भारी भूल है, चूक है। और मैं तो यह कहता चाहूँ जिलाधिकारी महोदय से कि आप माननीय इसको जो है पूरा संशोधन कराइए, 3-4 दिन का अवसर है, और सही ढंग से आरक्षण का पालन कराइए जिससे आम लोग पीड़ित ना हो और सबको इसका लाभ मिल सके, यह मेरा कहना है। पत्रकार भाई, एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक बार नहीं पिछले दो महीने में आ चुके हैं जनपद में किसी कारणवश, लेकिन सुनने में जो ये आ रहा है कि 3 दिवसीय दौरे पर उनका आगमन होगा। पहले समाजवादी क्रांति रथ यात्रा चलता था, जब चुनाव का आगाज होता था तो 1 साल पहले ये यात्रा निकलती थी। इस बार क्या होता है कि यह यात्रा न निकाल कर वह प्रति जनपद 3-2 दिवसीय दौरा कर रहे हैं और लोगों तक पहुँच रहे हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तो खाली जनपद जौनपुर में ही नहीं, उनका प्रयास है कि देश के हर प्रदेश में तो साथ ही साथ देश के कोने कोने में जाएं और समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करके समाजवादी सरकार की स्थापना करें। इसी उद्देश्य से उनकी यह इच्छा है और हम लोगों की मांग भी है कि आप हमारे मुखिया हैं, आप आवें और एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए जिसमें कार्यकर्ताओं को किस हिसाब से रहना चाहिए, अनुशासन की पाठ हो या किस तरह से अपनी एक्टिविटी बढ़ावें, इन सब मुद्दों पर उनको अपना निर्देश दें और हम लोग अधिक से अधिक सीटें जीतकर उनको न इस प्रदेश का मुखिया बनाने का अपना मकसद पूरा करें, बल्कि भविष्य में और आगे हिंदुस्तान के कोने कोने में समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करें, जिससे हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय पूर्व स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी, लोहिया जी के सपनों का भारत का निर्माण हो सके और आम आदमी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर अधिकाधिक लाभ उठा सके, यही हमारा संकल्प है, यही हमारे नेता की इच्छा है। इसीलिए वे जो है हर जिले में जाएंगे और कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय कि वर्ग विशेष के हित के लिए जो अगर मान लीजिए खुलेआम हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई विभाग ऐसा नहीं जिससे भ्रष्टाचार न फैल रहा हो, शिक्षा हो, समाज कल्याण हो, कृषि हो, उद्योग हो या होमगार्ड, राजस्व के विभाग हो, तहसीलों की बात हो, कलेक्ट्रेट की बात हो, हर जगह बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो पा रहा है। इस तरह का भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए योगी जी वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। आप एक मान्यता लेने के जाइए अगर कक्षा 5 के स्कूल की, तो उसके लिए यहाँ के अधिकारी लोग जो है लाखों रुपए की मांग करते हैं। तो शिक्षा जैसा पावन पवित्र विभाग जिस तरह से भ्रष्टाचार से युक्त है तो कैसे देश का कल्याण हो सकता है। इन बिंदुओं को भी मेरा निवेदन है कि आप लोग उजागर करिए और समाज के सामने लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी।